नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे लो टाइड और हाई टाइड के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं ज्वार और भाटा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए और आप इससे कुछ नया सीखें, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारे जानकारी भरे वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। मैं हूं कमल निषाद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डियर मास्टर। आज हम लो टाइड और हाई टाइड के बारे में विस्तार से जानेंगे, पर लो टाइड और हाई टाइड कैसे होता है ये समझने के लिए पहले आपको कुछ और पॉइंट्स को भी जानना होगा। तो आइए स्क्रीन पर देखते हैं। ज्वार भाटा क्या है? जो लोग समुद्र के किनारे बसे क्षेत्रों में रहते हैं या वहां घूमने जाते हैं, उन्हें ये लगभग रोज ही देखने को मिलता है। होता यह है कि समुद्र के पानी का स्तर कुछ घंटों के बाद बहुत अधिक बढ़ जाता है और कुछ घंटों के बाद फिर से घट जाता है। जब पानी का स्तर बढ़ता है तो इसे ज्वार या हाई टाइड कहते हैं, और लगभग 6 घंटे 13 मिनट बाद जब समुद्र का पानी अपने निचले स्तर पर पहुंच जाता है तो इसे भाटा या लो टाइड कहते हैं। अब ज्वार भाटा कैसे होता है ये समझने से पहले हमें दो और बातें जाननी होंगी। ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? आप सभी ने चुंबक जरूर देखा होगा, जिसे अंग्रेजी में मैग्नेट कहते हैं, और ये लोहे को अपनी तरफ खींचता है। हमारी पृथ्वी लोहे के साथ साथ पृथ्वी पर मौजूद लगभग हर एक चीज को अपने केंद्र की तरफ खींचती है, फिर चाहे वो पत्थर, पानी, बिल्डिंग, पेड़, गाड़ी, जानवर या इंसान कुछ भी हो। आप जब उछलकर पृथ्वी से दूर जाना चाहते हैं तो पृथ्वी आपको दोबारा अपनी तरफ खींच लेती है। पृथ्वी के इसी बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या केंद्र त्यागी बल क्या है? जब हम किसी वस्तु को गोल गोल घुमाते हैं तो उस पर केंद्र से बाहर की तरफ एक बल लगता है, इसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या केंद्र त्यागी बल कहते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। जब भी हम किसी वस्तु को गोल गोल घुमाते हैं तो वह वस्तु बाहर की तरफ फैलना चाहती है, और यदि उसका कोई हिस्सा ढीला या नरम हो तो वह बाहर की तरफ फैलने लगता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इस लड़की के गोल गोल घूमने पर इसकी ड्रेस केंद्र से बाहर की तरफ फैल जाती है। इस टॉय को घुमाने पर भी यही होता है। अब आप जान चुके हैं ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, तो अब हम अपने मेन टॉपिक पर आ सकते हैं। ज्वार भाटा कैसे आता है? यहाँ आप सूरज, पृथ्वी और चांद को देख रहे हैं। पृथ्वी इस तरह घूमते हुए सूरज का चक्कर लगाती है और चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चलो पृथ्वी को थोड़ा और नजदीक से देखते हैं। पृथ्वी के लगभग 29% भाग पर जमीन और 71% भाग पर पानी है। ये जो आप नीला हिस्सा देख रहे हैं ये पानी यानी समुद्र है। हम यहां भारत के निचले हिस्से को थोड़ा पास से देखते हैं। समुद्र में लगभग हर 6 घंटे और 13 मिनट में पानी का लेवल बढ़ जाता है, और अगले 6 घंटे और 13 मिनट बाद यह लेवल फिर से घट जाता है। ये ज्वार भाटा दूर से देखने पर हमें दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम इस पानी को बड़ा कर रहे हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये जो नीला हिस्सा हमने बड़ा कर दिया है ये पानी है, और अब ज्वार भाटा को समझने के लिए हमें ये दोनों फोर्स यहां पर अप्लाई करने होंगे। सबसे पहले ग्रेविटी ने पानी को चारों ओर से पृथ्वी की ओर खींच रखा है, तो जब पृथ्वी गोल गोल घूमती है तो यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है और इसके चारों तरफ का पानी बाहर की तरफ खींचता है। साथ ही पानी के वॉल्यूम को मेंटेन रखने के लिए इस पूरे पानी पर ऊपर और नीचे की तरफ से अंदर की तरफ दबाव बनता है। अब हम इस मॉडल को ऊपर से देखते हैं। ध्यान रहे कि सूरज इस तरफ है जब हम पृथ्वी को नजदीक से देखते हैं। तो यहां पर हमें ये जो नीला वाला हिस्सा नजर आ रहा है ये पानी है। पृथ्वी की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि इस पूरे पानी को पृथ्वी
चारों तरफ से अपने तरफ खींच कर रखती है। और सूरज हमसे बहुत दूर है, इसीलिए सूरज की ग्रेविटी का असर इस पानी पर बहुत कम पड़ता है और यहाँ पर थोड़ा खिंचाव होता है। पर सूरज की ग्रेविटी पृथ्वी के केंद्र के आगे असर नहीं कर पाती, इसीलिए सूरज की तरफ वाला पानी बाहर को खिंचता है और इस खिंचाव की वजह से इन दोनों हिस्सों पर दबाव पड़ता है, साथ ही ये दबाव दूसरी तरफ भी पानी को धकेल देता है। इस तरह हमें ये शेप मिला, सूरज की तरफ ज़्यादा खिंचा हुआ, दूसरी तरफ थोड़ा कम और इन दोनों तरफ में अंदर को दबा हुआ। अब बारी आती है चांद की, तो हम चांद को भी सीन में ले आते हैं ताकि देखने और समझने में आसानी हो। तो सूरज की अपेक्षा चांद पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक होता है और चांद की ग्रेविटी का असर भी इस पानी पर ज़्यादा होता है। चांद जहाँ भी रहता है उसके तरफ वाला पानी का हिस्सा चांद की तरफ खिंचता है। चांद की ग्रेविटी भी पृथ्वी के केंद्र तक ही असर करती है और उसके बाद कम हो जाती है, इसीलिए चांद के सामने वाले हिस्से का पानी ज़्यादा बाहर को खिंचता है और इस तरफ के खिंचाव की वजह से इन दोनों हिस्सों पर दबाव पड़ता है और चांद के दूसरी तरफ का पानी भी थोड़ा बाहर की तरफ खिंच जाता है। इन दोनों जगहों पर हो रही घटनाओं को ज्वार और इन दोनों जगहों पर हो रही घटनाओं को भाटा कहते हैं। अब हम इस पूरे मॉडल को चलाकर देखेंगे। तो जब सूरज, चांद और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो सूरज और चांद दोनों की ग्रेविटी के एक साथ मिल जाने की वजह से यहां बहुत ज्यादा खिंचाव पैदा होता है और इस हिस्से पर सबसे ज्यादा ज्वार आता है पूर्णिमा और अमावस्या को। चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.5 सेकंड लगते हैं। तो जब चांद अपने ऑर्बिट का लगभग 25% हिस्सा पार कर लेता है लगभग 6 से 7 दिनों में, तो यहाँ आने पर चांद इस हिस्से के पानी को खींचता है जिससे ज्वार और भाटे का अंतर बहुत कम हो जाता है। इस तरह हर पूर्णिमा और अमावस्या को सबसे ज़्यादा ऊंचा ज्वार आता है और दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी को जब सूरज, पृथ्वी और चांद से 90 अंश का कोण बनता है तब सबसे कम ऊंचा ज्वार आता है। अब हम यहाँ किसी एक देश या क्षेत्र को देखते हैं। यहाँ इंडिया के पास बहुत ऊंचा ज्वार आया हुआ है। अब हम इस मॉडल को चलाते हैं और लगभग 6 घंटे और 13 मिनट बाद अब यहाँ पर भाटा आ चुका है। अब फिर से इंडिया वाले हिस्से में ज्वार और फिर से इंडिया वाले हिस्से में भाटा आ चुका है। यही सिलसिला चलता रहता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या लो टाइड और हाई टाइड का असर सिर्फ समुद्र में ही होता है? नहीं, टाइड का असर नदियों, झीलों और तालाबों आदि सभी पर होता है, पर नदियों, झीलों और तालाबों आदि में समुद्र की अपेक्षा बहुत कम पानी होता है, इसीलिए इनके पानी में कुछ मिलीमीटर या सेंटीमीटर का ही उतार चढ़ाव होता है और यह टाइड इतना कम होता है कि इसका पता ही नहीं चलता। पर समुद्र बहुत बड़ा होता है और इसमें पानी भी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए समुद्र के पानी में होने वाला उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है और यह टाइड हमें आसानी से दिखाई देता है। आज हमने ज्वार और भाटे के बारे में बहुत कुछ जाना। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे इस छोटे से मॉडल से आपने लो टाइड और हाई टाइड के बारे में आज बहुत कुछ सीखा और जाना होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो सच में पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारे जानकारी भरे वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। और हमें कमेंट कीजिए यदि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो और भी जानकारी भरे वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।